कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में गोरखपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित हत्यारोपी रामगढ़ताल थाना के निलंबित थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह और फल मंडी चौकी प्रभारी अक्षय मिश्रा को रविवार की शाम को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को हत्याकांड की जांच करने पहुंची SIT ने कृष्णा पैलेस होटल में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया था। SIT के अनुसार सभी साक्ष्य पुलिस के खिलाफ मिले थे। जांच में व्यापारी मनीष गुप्ता को पीट पीट कर हत्या किए जाने की बात सामने आई थी तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मारपीट के निशान की पुष्टि हुई थी। इस दौरान मृतक मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे घटना की न्यायिक जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई थी और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसको देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने मामले की जांच SIT को सुपुर्द किया था और अब गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त जगत नारायण सिंह और अक्षय मिश्रा को SIT को सुपुर्द किया जाएगा। इसके बाद पुलिस रिमांड में लेकर SIT अपनी जांच पूरी करेगी। आपको बता दें कि 28 सितंबर को थाना रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के कृष्णा पैलेस में कानपुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 391/2021 धारा 302 भारतीय दंड विधान बनाम इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह अक्षय मिश्रा सहित 6 अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया था। अभियोग पंजीकृत होने के बाद सभी अभियुक्त फरार चल रहे थे। रविवार को जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामगढ़ताल थाने के निलंबित थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह तथा चौकी प्रभारी अक्षय कुमार मिश्रा निवासी बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत कोट मझरिया को गिरफ्तार किया है। अब अभियुक्तों को SIT को सुपुर्द किया जाएगा तथा मामले की जांच के बाद पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। हेलो चलो चलो ये सारा कुछ।